वेलकम बैक इन माई यूट्यूब चैनल एच आर एस बी एजुकेशन एंड मोटिवेशन। आज की बिग ब्रेकिंग न्यूज़ बेसिस से जुड़ी हुई अपडेट्स हैं। जो ठंड से स्कूल बंद, फिर भी शिक्षकों की उपस्थिति के मनचाहे आदेश, आचार संहिता का उल्लंघन मामले पर शिक्षा मित्र को नोटिस, मिली आयोग से अनुमति, मतदान अधिकारी पर शिक्षा मित्र एवं तृतीय पर लगेंगे अनुदेशक, निर्वाचन कर्मियों के लिए टीकाकरण आज से होगा, लगाई जा रही बूस्टर डोज, 5 साल और उससे कम बच्चों के लिए मास्क जरूरी नहीं, स्वास्थ्य मंत्रालय का आदेश। यदि आप चाहते हैं इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको अपडेट्स मिलते रहें इसी चैनल पर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिए आज की बिग ब्रेकिंग न्यूज। आखिरकार विधानसभा चुनाव में शिक्षा मित्रों निदेशकों की ड्यूटी लगाने की अनुमतियां मिल गई हैं। शिक्षा मित्र मतदान अधिकारी ड्यूटी तथा निदेशक मतदान अधिकारी तृतीय के पद पर तैनात किए जाएंगे। कर्मचारियों की कमी के चलते अधिकारियों के सामने यह समस्या खड़ी हो गई थी कि आयोग के निर्देशानुसार नियमित कर्मचारी कहाँ से लाए जाएँ। अब आयोग की अनुमतियाँ मिलने के बाद अधिकारियों ने राहत की सांस ली है। टीम ने हाल ही में मतदान अधिकारी द्वितीय व तृतीय पद के लिए कर्मचारियों की कमी का मुद्दा उठाया था, जिसमें बताया गया कि पीठासीन अधिकारियों की संख्या पूरी है, लेकिन मतदान अधिकारी द्वितीय के लिए 470 तथा तृतीय के लिए 332 कर्मियों की कमी है। आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिया कि विधानसभा चुनाव में नियमित कर्मचारी ही ड्यूटी में लगाए जाए। इसके लिए चाहें तो मंडल पूल के किसी जिले से कर्मचारियों को ड्यूटी पर लगा सकते हैं। इस निर्देश से अधिकारी परेशान थे और ये समझ नहीं पा रहे थे आखिर इस समस्या का हल कैसे निकले। बाद में अधिकारियों ने अनुमति के लिए फाइल भेजी। इस पर कमिश्नर रंजन कुमार जी ने साफ किया कि मंडल पूल में चुनाव ड्यूटी के लिए मंडल के किसी जिले में कर्मचारी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि चौथे चरण में मंडल के हर जिले में उसी दिन मतदान होना है। यह देखते हुए आयोग की तरफ से शिक्षा मित्र निदेशकों और आंगनबाड़ी को ड्यूटी में लगाने की अनुमति मिल गई। डीडीओ अरविंद कुमार जी ने बताया कि शिक्षा मित्र और निदेशक को रिजर्व में रखा जाएगा, जहाँ से डिमांड आएगी उन्हें वहीं भेजा जाएगा। ये साथियों आदेश है जो शिक्षा मित्र के लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में ये आदेश आचार संहिता का पालन नहीं किए जाने के संबंध में है। सूचित किया जाता है कि भारत निर्वाचन आयोग ने दिनांक 8 जनवरी 2022 को विधानसभा चुनाव 2022 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके क्रम में संपूर्ण उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई है। अतः आप एक सरकारी संस्था में शिक्षा मित्र के पद पर कार्य संपादित करते हुए राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध अपने मोबाइल नंबर से संयुक्त शिक्षक संकुल शिक्षक पलाकेसर के व्हाट्सएप ग्रुप पर संविदा कर्मियों से डरी भाजपा की टिप्पणी की गई है, जो सरकारी कर्मचारी आचरण सेवा नियमावली तथा आदर्श आचार संहिता का घोर उल्लंघन है। अतः आप 2 दिवस के अंदर अपना स्पष्टीकरण अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके विरुद्ध कार्रवाई उच्च अधिकारियों को सूचित कर दिया जाएगा। खंड शिक्षा अधिकारी डीवाई ऋचा शर्मा जी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को कोविड-19 को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बच्चों और किशोरों के 18 वर्ष से कम ने कोविड-19 के प्रबंधन के लिए संशोधित व्यापक दिशा निर्देश में कहा है कि 5 साल और उससे कम उम्र के बच्चों के लिए मास्क की सिफारिश नहीं की जाती है। इसमें कहा गया कि माता पिता की सीधी देखरेख में 6 से 11 वर्ष के बच्चे सुरक्षित और उचित तरीके से मास्क का उपयोग कर सकते हैं। सरकार की तरफ से कहा गया कि कोरोना वायरस संक्रमण की गंभीरता के बावजूद 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एंटीवायरल या मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का उपयोग करने की सिफारिश नहीं की जाती है। यदि स्टेरॉयड का उपयोग किया जाता है तो उन्हें नैदानिक सुधार के आधार पर 10 से 14 दिनों में इसकी खुराक कम कर दे जाना चाहिए। मंत्रालय ने कहा कि 12 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों को वयस्कों की तरह ही मास्क पहनना चाहिए। हाल ही में संक्रमण के मामले, खासकर ओमिक्रॉन स्वरूप के कारण मामलों में वृद्धि के मद्देनजर विशेषज्ञों के एक समूह द्वारा दिशा निर्देशों की समीक्षा की गई। मंत्रालय ने कहा कि अन्य देशों के उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि ओमिक्रॉन स्वरूप के कारण होने वाली बीमारियां कम गंभीर हैं, हालांकि महामारी की लहर के कारण सावधानी पूर्वक निगरानी की जरूरत है। एक नज़र में गाइडलाइंस की अहम बातें।
5 साल और उससे कम उम्र के बच्चों के लिए मास्क जरूरी नहीं है। 12 साल और उससे ज़्यादा उम्र के बच्चे व स्कूल की तरह मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों के लिए एंटीवायरल मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की सलाह नहीं दी गई है। कोविड-19 के माइल्ड केसों में स्टेरॉयड का इस्तेमाल घातक है। कोविड-19 के लिए स्टेरॉयड का इस्तेमाल सही समय पर करना जरूरी है। सही समय सही डोज दिया जाना जरूरी है। बच्चों के असिम्प्टोमेटिक होने या माइल्ड केस मिलने पर उन्हें रूटीन चाइल्ड केयर मिलना जरूरी है। अगर योग्य है तो वैक्सीन जरूर दी जाए। बच्चों के अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद परिजनों की काउंसलिंग की जाए, उन्हें बच्चों का केयर करने और सांस संबंधी दिक्कतों को लेकर जानकारी दी जाए। कोविड-19 के इलाज के दौरान अगर अस्पताल में किसी बच्चों को किसी और अनंगी समस्या आती है तो उसका उचित इलाज किया जाए। मंत्रालय ने कहा कि मध्यम और गंभीर मामलों में एंटीमाइक्रोबियल दवाओं को तब तक नहीं देना चाहिए जब तक कि एक सुपर एडेड इन्फेक्शन का संदेह ना हो। दिशा निर्देश में कहा गया कि स्टेरॉयड का इस्तेमाल सही समय पर सही खुराक में और सही अवधि के लिए किया जाना चाहिए। मंत्रालय ने कहा कि इन दिशा निर्देशों की आगे और नए साक्ष्य की उपलब्धता समीक्षा की जाएगी। ठंड से स्कूल बंद, फिर भी शिक्षकों की उपस्थिति के मनचाहे आदेश। प्रदेश में कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़ने के साथ ही कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है। शासन ने छात्र छात्राओं की सेहत का ध्यान रखते हुए सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया है और इस दौरान ऑनलाइन पढ़ाई कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव का आदेश होने के चंद घंटे बाद ही शिक्षा परिषद सचिव ने निर्देश दिया कि छात्र छात्राओं की छुट्टी रहेगी, लेकिन विधानसभा चुनाव के लिए शिक्षक व शिक्षणेतर कर्मियों का विद्यालय आना अनिवार्य है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र जी ने और परिषद सचिव प्रताप सिंह बाघेल जी की ओर से आदेश जारी होने के बाद जिलों में जिला शिक्षा अधिकारी व जिलाधिकारियों की ओर से मनचाहे आदेश हुए हैं। बच्चे की जिलाधिकारी सौम्य अग्रवाल की बस्ती की जिलाधिकारी सौम्य अग्रवाल जी की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि शिक्षक शिक्षा मित्र निदेशक व शिक्षणेतर कर्मचारी विद्यालय में उपस्थित होकर चुनाव कार्य व वैक्सीनेशन कार्य में योगदान देंगे। CDO बस्ती ने गैर हाजिर 9 शिक्षकों का वेतन रोकने का आदेश दिया है। सुल्तानपुर व कन्नौज के जिलाधिकारी ने आदेश दिया कि स्कूल बंद रहेंगे और कक्षाएँ ऑनलाइन चलेंगी। महाराजगंज व अयोध्या के BSA ने शासनादेश के अनुरूप 50% कार्मिकों को उपस्थित होने का निर्देश दिया है। यह भी लिखा है कि ये निर्देश उन पर लागू नहीं होंगे जो विधानसभा चुनाव व कोविड वैक्सीनेशन कार्य में लगे हैं। विधानसभा समान निर्वाचन 2022 के प्रथम प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी कानपुर देहात का यह आदेश 21 जनवरी 2022 का है। विधानसभा समान निर्वाचन 2022 को सकुशल, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक संपन्न कराने हेतु आज दिनांक 21 जनवरी 2022 की बैठक में जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय कानपुर देहात द्वारा पीठासीन अधिकारियों एवं प्रथम मतदान अधिकारियों का प्रथम प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 27, 28, 29 व 30 जनवरी को प्रशिक्षण का समय प्रथम पाली में पूर्वाह्न 10 बजे से 1 बजे तक, द्वितीय पाली में अपराह्न 2 बजे से 5 बजे तक, स्थान अकबरपुर डिग्री कॉलेज अकबरपुर कानपुर देहात में निर्धारित किया गया है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तदनुसार निर्वाचन ड्यूटी प्रशिक्षण आदेश प्रिंट कर कल दिनांक 22 जनवरी 2022 को दोपहर तक अधोस्थायी कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि प्राप्त निर्वाचन ड्यूटी प्रशिक्षण आदेश को संबंधित कार्यालय अध्यक्ष के माध्यम से संबंधित कार्मिकों को समय से वितरित कराते हुए दिनांक 27 जनवरी 2022 से प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ कराया जा सके। मुख्य विकास अधिकारी, प्रभारी अधिकारी, कार्मिक एवं प्रशिक्षण कानपुर देहात। निर्वाचन कर्मियों के लिए टीकाकरण आज से लगाई जा रही बूस्टर। विधानसभा चुनाव में ड्यूटी करने वाले सभी कर्मचारियों को टीकाकरण अनिवार्य रूप से किया जाएगा। जिन चुनाव कर्मियों को टीके की दोनों डोज लगे 9 माह बीत गए हैं उन्हें बूस्टर डोज लगाई जाएगी। इसके लिए शनिवार से कलेक्ट्रेट विभाग, विकास भवन, LDA और BSA कार्यालय परिसर में शनिवार से विशेष टीकाकरण कैंप लगाए जा रहे हैं। इन चारों जगहों पर 22 जनवरी से टीकाकरण टीमें तैनात रहेंगी। सुरक्षा की दृष्टि निर्वाचन ड्यूटी कर्मियों के लिए आज से 4 जगह शिविर लगेंगे। दोनों डोज लगवाएं 9 माह पूरे होने पर लगाई जा रही बूस्टर डोज। अपर जिलाधिकारी FIR प्रभारी अधिकारी कार्मिक विपिन कुमार मिश्र जी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चुनाव के लिए नियुक्त किए सभी मतदान मतगणना कर्मियों को कोरोना टीका लगाना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि जिन कर्मियों को दोनों डोज लगाए हैं 9 माह बीत गए उन्हें बूस्टर डोज लगाएगी। जिन कर्मियों ने दूसरी डोज नहीं लगवाई है उन्हें दूसरी डोज लगाई जाएगी। यदि आप चाहते हैं इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर करिए और नए वीडियो के साथ मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें।